हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी भी जस्ट उठा हूँ मैं और व्लॉग अपलोड किया है। और अभी मैं हूँ अपने भाई के घर, शुभम के घर पे। तो सामने का व्यू दिखाता हूँ, इतना मस्त है हल्द्वानी का। तो ये देखो सामने इतने प्यारे प्यारे पहाड़, ऊपर मस्त मस्त बादल और इधर खेत हैं। तो आज हम जाएंगे वहाँ पर बाइक लेके पहाड़ों पर, बादल पर, और बाइक्स हमारी यहाँ पर खड़ी हैं। बाकी पारस भी और पीयूष तो अभी सो रहे हैं नीचे, तो उनको उठाते हैं और चलते हैं। कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, बिकॉज मैं 40 घंटे सोया था, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, और 10 घंटे की राइड की लगातार, यहाँ तक पहुँचे 450 किलोमीटर। तो यहाँ आके डिनर करके तो सो गया आराम से, मस्त नींद आई। यूसी 8 बज गए हैं, उठ ले, जाना भी है पहाड़ पे, पहाड़ पे जाना है, उठ ले। पानी डालना पारस पे, नहीं मारे पानी डाल। ओहो उठ गए, पानी डालने वाले थे हम तो। रात भर बारिश आई थी तो बाइक पे पानी ही पानी हो रहा है पूरा। बाय द वे गाइस, इस चेहरे को देखना और कमेंट करके बताना आपने कहीं देखा है इंस्टाग्राम रील वगैरह पे। कहीं देखा है, बहुत फेमस चेहरा है ये आजकल का। तो चाय तो मैं पीता नहीं सुबह सुबह, तो काढ़ा आया मेरे लिए। तो अभी 9 बज चुके हैं, अब फिलहाल निकलते हैं। फिलहाल तो अभी दिव्यांश के घर जा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा सामान वहीं पड़ा है। तो पारस भी है तो नहा लिया है, बट मैं और पीयूष तो नहीं नहा रहे अभी, क्योंकि अभी हमको जाना है अल्मोड़ा मामा के घर पे। तो अभी वहाँ पे पहुँच जाएंगे 2.5-3 घंटे में, फिर वहाँ जाके नहा लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर वैसे ही धूल धूल तो होना ही है। तो ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे हैं और भिंडी की सब्जी। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट हो चुका है, फिलहाल रेडी हो रहे हैं, सबके हेलमेट वगैरह सब कुछ रेडी है। यहाँ पे ना घर काफ़ी मस्त है, देखो काफ़ी बड़ा सा है यहाँ पे। यहाँ पे ना इस टाइम पे जो बादल हैं कितने मस्त लगते हैं, देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर के ऊपर ही बादल हैं, और ऊपर से जो ग्रीनरी है ये देखो कितनी मस्त ग्रीनरी है। तो कल मैंने 450 किलोमीटर राइड किया इस हेलमेट के साथ में, बहुत ही मस्त हेलमेट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, सही है, और ये सेटअप भी इसका अच्छा लगता है। तो फिलहाल ये फ़ोन लगाते हैं गूगल मैप्स के लिए। मेरे को राइड करते हुए डर लगता है कहीं फ़ोन गिर ना जाए, बट गिरता नहीं है, देखने में लगता है कि गिर जाएगा झटके आएंगे तो। तो ये हमारी मम्मी जी का प्यार जो कि मम्मी जी ने कल दिया था हमको ताकि हमारे बम दुखे ना, तो इसको मैं पूरी राइड में रखूँगा साथ में, मम्मी की याद भी आती रहती है इससे। ज़्यादा भारी लग रहा है क्या, उतार दे फिर। पीयूष के लिए तो बिल्कुल सही हो गया, बैग पारस भी अपने पास रख लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ से है अल्मोड़ा 96 किलोमीटर, 3 घंटे दिखा रहा है, 3 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे क्योंकि पहाड़ पे जाना है, हम रुकते रुकते जाएंगे ना आराम से। गाइस इतना मस्त एरिया है ना हल्द्वानी, बस जल्दी से मेरे को भी यहाँ पे घर लेना है, सब कुछ सही हो जाए एक बार बस। और पहाड़ सामने ही है, कभी भी चले जाओ पहाड़ पे गाँव में। तो बाइक में पेट्रोल फुल करा लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अरे वाह, फाइनली पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं, नदी भी दिख चुकी है। केदारनाथ सिर्फ 311 किलोमीटर, चले केदारनाथ। अभी तो हमने सिर्फ एंटर किया है पहाड़ों पे, अभी से इतना मजा आ रहा है। अरे एक मिनट रोको, तुम्हारी बोतल गिरने वाली है। उत्तराखंड की इन रोड पे मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, तो काफी केयरफुली चला रहा हूँ मैं, ओवरटेक तो मैं कम ही कर रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं भीमताल, भीमताल के रास्ते से अल्मोड़ा, नैनीताल हम सोच रहे आते हुए जाएंगे। ओवरटेक कर लूँ क्या, आगे देख के करूँगा, कोई नहीं आगे अब कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रक काफ़ी टाइम से है मेरे आगे, मुझे डर लग रहा है इसको ओवरटेक करने में। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखना भी है, तो आई डोंट वांट कि कोई गलती हो मुझसे और वो गलती मुझे बहुत भारी पड़े, इसीलिए मुझे काफ़ी केयरफुली राइड करना है। यहाँ पे हमारी बाइक चल रही है 30 की स्पीड पे, 30 से भी कम, 25-30 देखो। अबे पारस भी नहीं कर लिया ओवरटेक, फाइनली अपन ने भी कर ही लिया ओवरटेक। अब अपने आगे कोई नहीं है, अब अपने आगे सिर्फ पहाड़ हैं और रोड हैं। उत्तराखंड में आके ना एक अलग ही वाइब आती है यार, मन करता है इधर आ जाएं और फिर जाएं ही ना यहाँ से। मैं तो बेसिकली यहीं से हूँ, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा प्यार है इससे कि इतनी ठंडी ठंडी हवा आ जाए, लिटरली बिल्कुल भी धूप नहीं है यहाँ पे। मक्के खिला दो भैया, 4 मक्के खिला दो। तो पीयूष को तो मिल गया, ये है इतना इतना होता है क्या, ये तो छोटा सा मक्का है, मेरा नहीं है वो आपका है, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता भाई, ना 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 मैं। थैंक यू भैया, थैंक यू थोड़ा सा बड़ा देने के लिए हमको, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो फिलहाल मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। अरे हाँ यार, बहुत मिर्च है इसमें तो, क्या डालते हो भैया इसमें। लाइफ में ना ये सबका ड्रीम होता है कि बाइक लेके इस तरह से पहाड़ों पे जाएं, बट काफ़ी लोग पूरे नहीं हो पाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। सबसे मेन रीज़न तो ये होता है कि मम्मी पापा नहीं जाने देते,
इतनी मुश्किल से मना के लाए ना, मतलब मजा ही आ रहा है। क्या हो गया? पीछे जो बादल है इतने प्यारे लग रहे हैं, मतलब वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकता ये प्लेस, बिल्कुल भी नहीं। इसका जोलो चिप फेल है। हाँ, जोलो चिप से ज्यादा है। पानी बोतल खाया दिव्यांश यार। पीयूष ने मक्का खाया, उसकी हालत खराब। ओए, नई टी शर्ट क्यों खराब कर रहा है? पहले मैं पीऊंगा। पानी के लिए लड़ रहे हैं। पीयूष की मक्के से हालत खराब, मेरे को पकड़ा दिया इसने। ज्यादा ठंडा तो नहीं है? ज्यादा ठंडा पानी, अरे ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना यार। तो पीयूष ने एक और बनवा लिया, बट अब की बार बिना मिर्च वाला। मेरे में तो डाल देना मिर्च, अपने को तो मिर्च पसंद है। थैंक यू भैया। तो जब आप भी आओ इस तरह से उत्तराखंड, तो भैया के वहाँ पे आना और खाना। नाम क्या है आपकी दुकान का? नाम तो है ही नहीं। कोई नहीं, आपका शक्ल आ गई है। तो दिस इज माई थर्ड पीस। पारस भी अभी तीसरा खा रहे हैं। ये बिना मिर्च का नहीं है, मिर्च वाला है। तो पीयूष ने भी एक और ले लिया, सबने तीन तीन खाए हैं। और मिर्च इतनी तगड़ी हो ना अभी तक, इतनी खतरनाक मिर्च लग रही है। जोलो चिप तो वैसे ही बदनाम है, यहाँ के ये वाली चटनी खा के देखना इनकी। और भुट्टा खाने में इतना मजा कभी भी नहीं आया जितना आ जाए। हाँ, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, बस बारिश ना हो यार। तो भुट्टा खा लिया है, अब निकलते हैं। यहाँ से है 70 किलोमीटर। पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं। तो अभी चेंज कर रहे हैं, पीयूष मेरे पास में बैठेगा। तो अब पीयूष बैठ गया मेरे साथ में। अब तो बिल्कुल हल्का लग रहा है यार, इतनी ठंड लग रही है ना गाइस, मैं तो गर्म कपड़े भी नहीं लेके आया। तो अभी गाइस पीयूष को ठंड लग रही है काफी ज्यादा, लग तो मुझे भी रही है। मैं तो शर्ट डाल लेता हूँ। ये लैपटॉप पकड़, लैपटॉप पकड़ ले। सारे कपड़े कच्चा बनियान सब निकालना पड़ेगा, सारी भसड़ सी मच गई कपड़ों की यार। तो अभी गोप्रो की बैटरी बदलने के लिए रुकना पड़ा, बट बारिश स्टार्ट हो गई है यार। तेज ना हो जाए नहीं तो कहीं पर रुकना पड़ेगा अपने को, मम्मी की याद। चले अच्छे से, ठीक है ना? बारिश तेज हो गई यार, अब क्या करें? रुकते हैं कहीं पे यार, भीग जाएंगे यार। जल्दी चल जल्दी। सही टाइम पे रुक गए, बारिश काफी ज्यादा तेज हो गई है। बाइक पे आने की बस यही दिक्कत है कि अगर बारिश वगैरह आ जाए, मौसम खराब हो जाए तो रुकना पड़ेगा, बट गाड़ी में तो चलते रहो। बारिश तेज ही हो रही है, भीग जाएंगे। हमारे पास लैपटॉप पड़ा है ना, मैकबुक वगैरह भीग जाएगा, कपड़े ही भीग जाएंगे, तबीयत भी खराब हो सकती है। तो भी बारिश रुक चुकी है, फिलहाल निकलते हैं जल्दी से। ये प्लेस है जहाँ हम रुके थे। बारिश फिर से आ रही है यार। भाई रुक जाते हैं, दोबारा से भीग जाएंगे भाई। भाई ठंड लग रही है ज्यादा, जल्दी रुको कहीं। भाई बहुत तेज होगी बारिश, रुको। भीग गया यार, भीग गया, फोन भी भीग गया। मैगी खाते हैं यार, मैगी खाने का मन। हाँ, एक जगह हम रुके थे, बारिश हल्की सी कम हुई तो हम चले, और फिर बहुत तेज होगी। फिर हम यहाँ पे रुके अभी रेस्टोरेंट में, तो मैगी वगैरह ऑर्डर किया है, बट इन्होंने कहा कि अंदर नहीं बैठ सकते, तुमको पैक करके दे देंगे, बाहर ही खा लेंगे। चलो जल्दी चलो भाई, ये तो बहुत सारी मैगी है, पेट भर जाएगा इसमें। और पीयूष देखो यहाँ बैठ गया, जितनी खाएगा मेरे को दे दियो। बाय द वे चाय भी आ गई हमारी, पेट भर गया सही से। हेलो, मैं सब्सक्राइब करूँ आपका रुद्रपुर से ही। तो पीयूष पूरी मैगी नहीं खा पाया, तो इसने पैक करवा लिया, अपने हाथ में रख लिया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसको एक जना चाहिए बैग टंगाने वाला। हाय, हेलो, इसका नाम क्या है? विस्की। हेलो विस्की, ओके, कितना क्यूट लग रहा है। ओके बाय विस्की। पूरी सड़क गीली है, इतना मज़ा आ रहा है ना चलाने में।